हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हैप्पी भाई दूज। और आप सबके भाई सही सलामत रहे, हमेशा आप लोग के पास आए, राखी बनवाएं और भाई दूज पे आए आप लोग से मिठाई खाने के लिए। तो अभी देखिए मेरा फारा जो है वो बन गया है, रखा अभी दो मिनट में उतार दूंगी। और यहाँ छोला भी मैंने बना लिया है और बहुत टेस्टी छोला था, काबली चना और मटर मिक्स करके मैंने बनाया है। और अभी मैंने आटा भी लगा लिया है। मैं पूड़ी नहीं बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूड़ी हो गया, पूड़ी पूड़ी खा के ना दिमाग एकदम ख़राब हो गया है। और चावल भी बन गया है। अभी देखिए मैं तैयार होके हमारे यहाँ जहाँ पे क्या कहते हैं भाई दूज का पूजा होता है ना, वो क्या कुछ बनाया जाता है गोबर से, तो मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से ही मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं था कि मैं पहले से करती हूँ। तो ये मेरी पड़ोसन थी, ये भी बोली कि मुझे भी साथ में चलना है, तो मैंने उन्हें भी साथ में ले लिया। और ये देखिए अभी हम आ गए हैं जहाँ पे पूजा होगा। पहले यही आम के पेड़ के नीचे लगता था, पर अब आम के पेड़ के नीचे नहीं, वो उन्होंने अपना जो मेन फ्रंट है ना वहाँ से वो करती हैं गोवर्धन पूजा। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए गोवर्धन बाबा सब कोई बना हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है, तो मैं नहीं करती हूँ, छवि करती है अपने भाई के लिए। मेरे ससुराल में होता है, तो जब से छवि हुई है ना तब से मैं कर रही हूँ, और पहले नहीं मैं करती थी ये सब। छवि एक साल की थी तभी से हो रहा है। तो अभी जो ये छोटा छोटा क्लस आप देख रहे हैं ना, वो मैं इस खाना जो बना हुआ है गोबर का, इस खाने में बारी बारी से सब रख दूंगी। और जितना भी पूजा होता है, फूल, अक्षत माला, धूप दिया, और जिसमें हम लोग काजल पारते हैं ना, घंटी मिट्टी की, वो भी यहाँ पे भी काजल पारा जाता है। एक सरसों के तेल से जलता है, एक घी के तेल से। तो वही छवि से अभी मैं लगवा देती हूँ सब कुछ, जैसा मतलब वहाँ का सब लोग कर रहे थे ना वैसे वैसे मैं छवि से करवा रही थी। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे उतना भीड़ नहीं है, थोड़ी देर में काफ़ी भीड़ हो जाएगी। और यहाँ छवि जो है ना रुई से अय्या बना रही है, वो भाइयों का, भाई जो होते हैं ना उनके आयु के लिए होता है कि उनकी लंबी आयु हो। और हर साल आम के पेड़ के नीचे होता था, तो काफ़ी लेडीज़ लोग आती थी, बहुत ज़्यादा लेडीज़ लोग। और ये जो गोबर से बना हुआ है ना भाई दूज का पूजा का, ये बहुत लंबा चौड़ा बनाया जाता था, पर इस बार जिनके घर पर बना है उनका तबीयत भी सही नहीं था, इसलिए छोटे में ये लोग बनाए हैं। और उतने लोग नहीं आए हैं जितने लोग हर साल आते थे, क्योंकि यहाँ बनाए काफ़ी लोग को पता ही नहीं था कि मतलब उनके घर के आगे बना हुआ है। तो अभी देखिए हल्दी और चावल का जो पेस्ट होता है उससे ही ये बनता है अय्या। तो छवि बना रही है, ऐसे हाथ धुलती रहो अच्छे से। वहाँ लास्ट जरत रहा बट्टी लगेली, लाठी पर अपन हुआ के शंकर भगवान के मंदिर में कोई घी रहा लिया के खा लेली। फिर अपन कमरा कसारत बहन माँ का करो, कमरा उज्जर हो का करो, उन घरे आवे चाटन तो उनकर भौजी कुल काम हम कर लेली। जब गईली शंकर जी का पूजा कर, शंकर जी मुँह उधर के घुमा ले। तो अभी देखिए फ्रेंड्स वहाँ पे कहानी हो रही थी, वही कहानी हम लोग मतलब सुन रहे थे। बाकी लोग जो है अय्या नहीं बनाए थे, तो वो लोग अय्या बना रहे थे, और हम लोग बाकी जिन लोग का अय्या बन गया था वो लोग अपने हाथ में चावल फूल मतलब वही चावल का अक्षत फूल लेके कहानी सुन रहे थे। और जब कहानी समाप्त हो जा रही थी तो ये चढ़ा दे रहे थे यहाँ पर, ऐसे करके शायद 4-5 कहानियाँ उन्होंने सुनाई। और जब कहानी समाप्त हो गई तो यहाँ पे सोहर होता है, तो वही सब लेडीज लोग सोहर गा रही थी। को भैया खाऊं तुम करो, तुम टंग बाहर निकालो, हम कर रहे हैं। भैया खाऊं, हाँ भैया खाऊं, भैया खाऊं, भैया खाऊं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अपने भाई को सरापा जाता है, और फिर इसी कांटे से अपने टंग को ना मतलब कांटा चुभाया जाता है कि भाई को हमने सरापा। और फिर वही उसके बाद तुरंत अय्या चढ़ाया जाता है कि मेरे भाई का जो आयु है ना वो लंबा हो और अच्छे से मेरे भाई मतलब जो है वो स्वस्थ रहे। और उसके बाद सब लोग जो रुई से अय्या बनाए रहते ना वही सब लोग चढ़ा देते हैं, छवि ने भी चढ़ा दिया है। और जितनी भी लड़कियां और औरतें आई थी ना सब लोगों ने ऐसा ही किया, मतलब चढ़ाने के बाद फिर ये जो इसे मूसर कहा जाता है इसकी पूजा होती है। वही मैं पूछ रही थी कि मैं करूं कि छवि करे, क्योंकि मैं तो कर नहीं रही हूं, छवि कर रही है।
तो सबने बोला कि छवि करेगी और आप सिर्फ सिंदूर चढ़ा देंगी, क्योंकि छवि अभी कुंवारी है तो वो सिंदूर नहीं चढ़ाएगी। तो अभी देखिए वो पूजा होने से पहले जितना भी हम लोग जो ये मिट्टी का रखते हैं ना भरेड़, वो सारा अपना अपना जितना भी सामान हम लोग पूजा में रखे रहते हैं वो सब अपनी अपनी थाली में हम लोग लगा देते हैं। फिर उसके बाद से जो मूसर होता है उसकी पूजा होती है। और ये जो छवि कर रही है ना कॉटन को, जो ये हल्दी और चावल की उसमें डुबाई है, तो ये अभी उनको पियरी चढ़ता है, तो इसीलिए वो अभी उसको अच्छे तरीके से घोल रही है। और मैंने अपनी थाली जो है वो फिर से लगा ली है, जितने भी सामान मैंने चढ़ाए थे वो सारे सामान मैंने रख ली है अपनी थाली में, सबने अपनी अपनी थाली में रख लिया है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा हो रहा है, वही हल्दी और चावल का जो पानी था ना वो पहले इनको दूध वूध सब कुछ चढ़ाया जाएगा, सिंदूर से रूढ़ी से अच्छे से टीका जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे ये ईटा फोड़ा जाता है, जिसकी एक बहन होती है, जिसका सॉरी एक भाई होता है ना, बहन नहीं, जिसका एक भाई होता है वही इसे फोड़ता है। तो छवि तो छोटी थी इसलिए बस छू दी थी, बाकी सब ने किया और उसी पानी से अपना लट भी धुल ली थी। और यहाँ पे सुपारी और चना जो होता है मेन होता है, तो वही छवि ने छुआ लिया था मूसर से, फिर सबके पैर जो है बड़े जितने भी लोग थे सबके पैर छू लिया। और ये देखिए ये लांघा जाता है ना, तो इनके दो भाई हैं, छवि छोटी थी इसलिए छवि के एक भाई हैं, तो सब छवि से बोल रहा था, लेकिन छवि अभी छोटी है तो इसलिए छवि अभी नहीं की, बस वो टच करके छोड़ दी थी। और फिर जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबका एक दूसरे का आशीर्वाद छवि भी ले लेती है, बाकी लोग भी ले लेते हैं। तो अभी देखिए बारी बारी से सब लोग मेरे पास भी आ रहे हैं। फिर ये फ्रेंड्स नेक्स्ट डे का क्लिप है, क्योंकि हम उस दिन जो है ना मिठाई नहीं खिलाते हैं, क्योंकि छवि की शादी होगी, फिर वो आ पाएगी नहीं आ पाएगी, तो इसीलिए बासी हम लोग खिलाते हैं, कि बासी जो होता है ना दो दिन तीन दिन जब भी इसको मौका मिलेगा तो आके खिला दिया करेगी, तो इसीलिए उस दिन हमने नहीं खिलाया, आज खिलाया है। तो ये दोनों देखिए इंजॉय कर रहे हैं कि मेरी आरती उतार रही है, रुपेश बोल रहा है, मम्मी देखिए आज मुझे फूल चढ़ा रही है, आरती उतार रही है। और अभी ये पैर छुएगी ना तो भी बहुत हंसेगा। तो ये देखिए पांच दाना जो है हमने चने का छवि ने दिया रुपेश को निगलने के लिए, वो साबूत ही निगला जाता है यही, उसके बाद फिर मीठा जो भी पसंद हो। तो रुपेश मिठाई खा के उब गया है ना, तो थोड़ा सा चुटकी से लिया है। तो अभी देखिए पूजा भी हो गया, रुपेश हंस रहा है कि छवि आज मेरी पूजा कर रही है। और अभी जब पैर छुएगी ना छवि भूल भी जा रही थी कि कैसे करना है क्या करना है, तो वही हंस रही थी। फिर छवि अपने भैया का पैर छू लेती है और जो है पूजा हो जाता है, छवि ने मिठाई खिला दिया और गिफ्ट इसे मिलेगा कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी हम गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, मार्केट जाएंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ लाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे एक साल पूरे होने वाले भी हैं और सब लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं फिर तुरंत अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर अनसब्सक्राइब करना ही है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब ही ना करो, और सब्सक्राइब अगर कर लिए हो तो मुझे प्लीज़ लंबे टाइम लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा के लिए सब्सक्राइब किए ही रहो। तो यहाँ मैं जो है तो मैं अनार के दाने खा रही हूँ, और लंबे टाइम के बाद मैं अनुपमा देख रही हूँ, काफ़ी टाइम मैंने नहीं देखा था, आज वही देख रही थी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, बाय बाय फ्रेंड।